नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। डीए 50% होने के बाद इन भत्तों में भी हुई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब कौन कौन से भत्तों का लाभ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच गए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही खुशी की है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% हो गया था, जिससे वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा था। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब विभिन्न वेतन वृद्धि के रास्ते खुल चुके हैं, जिनमें मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रा सब्सिडी शामिल है, जिसके साथ ही रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेट ग्रेजुएटी में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कर्मचारी की सैलरी में 1 से लेकर 1,30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका फायदा कई लाख कर्मचारियों को मिला है। दोस्तों, केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के मुताबिक डीए में 50% की बढ़ोतरी के अलावा रिटायरमेंट और डेट ग्रेजुएटी की सीमा में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 जनवरी 2024 से रिटायरमेंट और डेट ग्रेजुएटी की सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी कंपनी में 5 साल तक लगातार नौकरी करने पर कर्मचारी को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारी को ग्रेजुएटी का लाभ देना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।